हेलो फ्रेंड्स, मैं मनी, जैसे कि आप मुझे जानते हो, मेरे चैनल है टेक्निकल लवली मनी चैनल, दूसरा स्विमिंग बाय मनी। टेक्निकल लवली मनी चैनल का लिंक प्राइवेट बटन नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो है हाउ टू मेक स्काई लैम्प। तो चलो आपको स्काई लैम्प की सारी चीज़ें बता दें कि क्या क्या चाहिए। तो चलो स्टार्ट करें। चीज़ें चाहिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तिले चाहिए हमें। तिले झाड़ू के भी ले सकते हो आप, पतंग के भी ले सकते हो, जिसके मर्जी। और कैंची चाहिए क्योंकि हमें पेपर काटना पड़ेगा। और ग्लू चाहिए, ये मैंने फेविकोल जो यूज़ कर रहा हूँ। और आप, ये गुड्डी पेपर है, ये बहुत हल्का होता है, आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। हम इसमें दोनों यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद चाहिए ये तार। तार मैंने, मेरे पास जो स्काई लैम्प की टेस्टिंग की थी तो वो जो चलाए थे उसकी बच गई थी, मैंने इसको रख लिया था क्योंकि मुझे मेकिंग स्काई लैम्प की वीडियो बनानी थी। उसके बाद आपको चाहिए मोम। मोम भी मैंने ये लैम्प का निकाला हुआ है। अदरवाइज़ आपके पास ये नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो, आप जो कागज़ होता है, गत्ता होता है मोटे वाला, उसको चोर्स काट के जो मोमबत्ती होती है उसका मोम आप उसके ऊपर गिरा सकते हो, गिला के उसको अच्छे से डिप करके, तो उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो ये मोम हमने स्काई लैम्प का ही यूज़ कर रहे हूँ। उसके बाद ये टेप। टेप थोड़ी सी काम आ भी सकती है, नहीं भी, है मर्जी है, क्योंकि हम इसको गोल नहीं, हम इसको चोर्स बनाएंगे। तो चलो प्रोसीज स्टार्ट करते हैं। पहले मैं थोड़ा बता देता हूँ, मैं चोर्स स्काई लैम्प बनाऊंगा, गोल स्काई लैम्प नहीं बनाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करें। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे आवाज़ गूंज रही है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं बैठा हूँ हॉल लॉबी में तो आवाज़ गूंजेगी। तो सबसे पहले मैंने झाड़ू के तिल्ले जो है वो तोड़ लिए हैं, बराबर इक्वल कर लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम छोड़ देते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम स्काई लैम्प को, ये पेपर काटना कूटना हमने कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे करके ये पेपर चार आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। एक लंबी लेंथ बन जाएगी। तो चलिए थोड़ा फॉरवर्ड में आपको जोड़ के दिखा देता हूँ कैसे जोड़ना है, टाइम बचेगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, रात को उड़ाएंगे मज़ा आएगा। तीन पेपर जोड़े हैं, अब क्या करेंगे, अब हम पेपर नहीं वेस्ट होने देंगे। अब हम इन तिल्लों को इनके बीच में रख के ऐसे, ये देखो, ऐसे रख के, दिख नहीं रहा आपको, बल्कि ऐसे रख के इनको आपस में ऐसे फोल्ड करके इनको इसके साथ इंक्लूड करेंगे, ताकि जब लैंप हवा भरेगा तो ऊपर उठ जाएगा आसानी से, ठीक है। तो नाप देख लेते हैं, जैसे ये एक, ये दो, ये तीन, पेपर पड़ गया छोटा, ठीक है। तो इसके साथ हम एक पेपर और जोड़ सकते हैं, जिसके कारण ये चार हो जाएंगे। तो अब क्या करेंगे, जब ये चार हो जाएंगे तो ऊपर से इसको चोर्स करने के बजाय हम इसको डायरेक्ट ऐसे आपस में भी जोड़ सकते हैं, चाहे गुच्छा बना लो या कुछ भी कर लो, ऊपर का सीन इतना होता नहीं है। पर याद रखना कि जब भी आप पेपर लोगे, पेपर लेते समय उसमें छेद ना हो, पेपर बिल्कुल सही होना चाहिए। तो हमने जोड़ लिया है, अब हम इन तिल्लों को पूरा करते हैं, इनको आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। तो चलो जोड़ें। हमने इसमें तिल्ले चिपके दिए हैं, अब है ये तार की बारी। वैसे अगर आप चाहो तो तिल्लों को पहले कर सकते हो, ये मैंने तार को यहाँ मरोड़ी दी होती है इन्होंने, आप ये दो प्लेन तारे साथ में लेके उनको ऐसे आपस में मरोड़ी दे सकते हो, जिसमें हम मुश्किल कपूर फंसाते हैं। पर अगर आप गत्ता लगा रहे हो तो याद रखना कि आपको इन चारों की ज़रूरत नहीं है, ये तो चार मेरे पास थी, मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, तो इसकी ज़रूरत नहीं। आप सिंगल बीच में सिंगल भी लगा सकते हो, ठीक है। और आप लैडर से फ्लेम बना सकते हो, लैडर से पहले आग में उसमें प्रेशर बना के फिर वो लगा सकते हो, ये नहीं कि जरूरी आपने उसको लगाना है। तो ये हम लैंप कर रहे हैं, अब हम इनको आपस में जोड़ेंगे, पहले उसको काट के, फिर काट के इक्वल करके उसको आपस में जोड़ देंगे, फिर ऊपर से जिगाड़मेंट देखेंगे कि अलग से काट के लगाना है या फिर उनको आपस में जोड़ देना है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, मेहनत बहुत लगती है। फाइनली स्काई लैम्प कंप्लीट तैयार हो चुका है। अपना काम क्या रह गया है, बस इसको बुलेट ने शोर कर दिया, बस इसको हमने इंक्लूड करना है, उसके साथ जोड़ना है और आग लगानी है, उड़ाना है। उड़ाएंगे हम रात को, जोड़ में आपको रात को ही दिखा दूंगा, ठीक है।
तो मैं आपको बता देता हूँ मैंने किया क्या है, आपको सारी वीडियो में पता लग गया होगा, मैंने थोड़ा फॉरवर्ड में निकाला है। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले चार पेपरों को आपस में जोड़ लिया, तीन पेपरों को आपस में जोड़ लिया, जो थोड़ा सा बचा मैंने उसको जोड़ लिया, ठीक है। उसके बाद ये तीनों में मैंने इसको गोल नहीं चोर्स किया है, ये अपना स्काई लैम्प कुछ ऐसा बना है। आप यहाँ पे टेप लगा दें, हम टेप लगा देते हैं नहीं तो ये सारा फट जाएगा, तो हम यहाँ पे लास्ट में टेप लगा रहे हैं, ठीक है। तो टेप कैसे लगाएंगे हम देखो, थोड़ी थोड़ी टेप लगाऊंगा नहीं तो ये पूरा ऐसे चीर देगा, इनको थोड़ी सपोर्ट हो जाएगी, जो तिल्ले होते हैं ना जब कागज़ बहुत हल्का होता है, तो इसके लिए मैं इसको थोड़ी सी टेप लगा रहा हूँ। आप सेलो टेप का यूज़ करना क्योंकि ये बहुत पेप भी हैवी होती है, तो हमने इसको यहाँ यहाँ तिल्लों पे चार जगह पे ये लगा देनी है ताकि ये हमारे पेपर को नुकसान ना दे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स मोस्टली हमारा सारा स्काई लैम्प तैयार है, मैं इसमें छोटे छोटे छेद करके लगा दूंगा, वैसे आपको ये पहले लगाना चाहिए, तो इसमें छोटे छोटे छेद करके लगा दूंगा, तो रात को हम इसको उड़ाएंगे, तो स्काई लैम्प कुछ ऐसा बना है, ये देख सकते हो आप हमारा, ये देख सकते हो कितना बड़ा बनाया, ठीक है। वैसे अगर आप इसको छोटा करना चाहो तो कर सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट आप ऐसे फेविक इसको कटिंग करके यहाँ पे फेविक लगा सकते हो, छोटा हो जाएगा। फाइनली अपना स्काई लैम्प तैयार हो गया है, बाकी का प्रोसीजर सारा रात को है, और इसमें हम गैस भरेंगे और फिर इसको चलाएंगे। मेरी एक सलाह रहेगी, ये तो खैर बड़ा बन गया है क्योंकि काफ़ी टाइम बाद बना रहा हूँ, इसको आप छोटा ही बनाना, जितना छोटा बने, ऊपर वाला एरिया मतलब कि जैसे लंबा तो होना चाहिए, ऊंचा तो होना चाहिए, पर साइड की जगह इतनी होनी नहीं चाहिए, और ये स्काई लैम्प बढ़िया बना है। तो फ्रेंड्स अब हो गया अंधेरा, अब थोड़ी हवा चल रही है, अब हम ये वाली तार मैं इसके ऊपर फिक्स करने वाला हूँ, तो जल्दी जल्दी इसकी तार हम इसके ऊपर फिक्स कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था सेम वैसे ही करेंगे। ओ हवा बहुत चल रही है, रिस्की हो सकता है, कोई चक्कर नहीं है। अब ये देखो ऐसे इसको जोड़ना है हमने, अब इसमें हम तार लगाएंगे, ये तार हम नीचे बैठ गए हैं, ये तार आपको दिख रही है पता नहीं, नहीं दिख रही ये, कोई सारे उड़ कहाँ रहा है तू, एक मिनट रुक जा। तो फ्रेंड्स हवा चल रही है, हम अंदर से इसको बांधेंगे। मैंने तारे लगा दिए अच्छे से, ये आप देख सकते हो मेरा लैंप काफ़ी बड़ा बना हुआ है, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको छोटा भी कर सकता हूँ, बस आपने इसी हिसाब से बनाना है कि आपका लैंप उड़ना चाहिए। तो ये लैंप आपको पूरा कवर कर दिया मैंने, अब हम इसके बीच में दो मोम लगाएंगे, ठीक है। मैं दो लगा रहा हूँ क्योंकि ये लैंप बड़ा है ताकि ये अच्छे से गैस भर सके, और गैस हम भरेंगे अंदर वाली साइड में ताकि उधर हवा से मेरा लैंप सड़े ना, पूरा अंदर से हम भरेंगे। तो चलो अब इसमें मोम लगाते हैं। मोम कैसे लगाते हैं, ये मोम की दो लगा रहा हूँ मैं, वैसे ये एक यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आपने ये नहीं है आपके पास तो क्या करना है, आपने गत्ते की पेटी लेनी है, वो थोड़ा सा टुकड़ा पाड़ लेता है, सेम यही साइज कर लेना है। मोम की एक मोमबत्ती लेनी है, उसको पिघला लेना है पूरा, और उसको पूरा डिप करना है, फिर निकालना है, फिर डिप करना है, फिर निकालना है, ताजो सारा मोम गत्ते के ऊपर आ जाएगा, फिर आप उसको आग लगाओगे काफ़ी देर चलेगा। तो हम इसको अभी पाड़ रहे हैं, ठीक है। ये दो है, एक देख सकते हो एक पतली सी एक मोटी सी है, इन दोनों को मैं इसके ऊपर लगा दूंगा, उसके बाद हम इसको अंदर जाके आग लगाएंगे, इसको जल्दी जल्दी पाड़ लेते हैं। तो ये मैंने लगा दिया, इसके अंदर जो तार है उसको भी फोल्ड कर दिया, ये देखो जैसे कि मैंने पहले उसमें बताया, ये देखो ऐसे फोल्ड कर दिया ताकि मोम गिरे ना, हवा चल रही है ना तो मोम ना गिरे। तो चलो अब हम इस स्काई लैम्प में हवा भरते, देखो मैंने उल्टा कर दिया, ये फिर भी मोम गिर नहीं रहा, वैसे तो गिरता नहीं है, फिर भी आप थोड़ा ध्यान रखना। तो चलो अब हम इसको आग चला, हम अंदर वाली साइड में आ गए हैं, तो अब हम इसको आग लगाएंगे। वैसे मुझे रिस्क लग रहा है क्योंकि ये ना बार बार इकट्ठा हो रहा है, मैंने चोर्स बनाया है और ये बार बार इकट्ठा हो रहा है, मुझे यहाँ कुछ लगा देना चाहिए। चलो देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता, पर एक और मिनट इसको ऊपर, हमारा योगदान अमित और मनीष दे रहा है, तो हम इसको आग लगा रहे हैं। अभी मोम को मैंने आग लगा दिया नहीं, उसके बाद भगवान ही रखा है उड़ेगा या नहीं उड़ेगा, बाहर तो हवा ही बहुत चल रही है, अंदर भी हवा है, हवा बहुत ज्यादा चल रही है, मेरी किस्मत ही माड़ी होती है। अमित सीधा कर दो भाई, तो फ्रेंड्स अब गैस भरने की प्रक्रिया चल रही है इसमें, तो ये सीधा गैस भरने की प्रक्रिया, इसको मैं लेऊंगा इसमें, तो अभी इसमें गैस भर रही है, अगर ये उड़ गया तो जहर है, वैसे तो उड़ना ही चाहिए क्योंकि इसमें हवा तो भर गई है, पर बाहर हवा भी चल रही है। ये हवा काम बहुत काम खराब करती है, बहुत ज्यादा काम खराब करती है हवा,
तो फ्रेंड्स अभी इसमें हवा भर रही है, काफी जल्दी हवा भर रही है, बहुत बेस्ट हवा भर रही है। तो अमित हमारा साथ दे रहा है, लैडर को हमने रख दिया एक साइड पे खत्म आ गया। तो फ्रेंड्स ये स्काई लैम्प अपना भर रहा है पूरा, जब ये पूरा भर जाएगा ये अपने आप हाइट लेने लग जाएगा, जैसे हाइट लेगा हम मार जाएंगे और उड़ा देंगे। तो ये हाई आप मेरा स्काई लैम्प देख सकते हो जो अमित ने पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये चेक कर सकते हो स्काई लैम्प, जहर है जहर, स्काई लैम्प एकदम जहर बना हुआ है। तो ये उड़ने के लिए मतलब कि टाइम लगाएगा थोड़ा सा, तो ये उड़ने के लिए पूरा तैयार हो जाएगा। वीडियो प्ले कर दी। तो फ्रेंड्स ये हमने उड़ा दिया, मतलब कि उड़ने के लिए तैयार है। ये आप देख सकते हो इसमें हवा भर चुकी है, ठीक है। ये देख सकते हो उड़ने के लिए तैयार है, ये हवा बहुत चल रही है। और ये देखो पंखा ना, इसमें गैस पूरी भर चुकी है। ओ ये हवा यहाँ चल रही है, मेरा छड़ने को मन नहीं है कि कहीं इधर उधर ना चले जाए। हवा 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 बहुत ज़्यादा चल रही है। तो फ्रेंड्स अभी इसमें थोड़ी सी गैस और रहती है, थोड़ा टाइम लग गया इसको रुकी छोड़ के। फ्रेंड्स उड़ तो रहा है गैस थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं खैर उड़ रहा है, पर ये अपने आप उड़ता है क्योंकि अपना लैंप उड़ जाएगा उड़ जाएगा। ओए 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 हवा 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 बहुत ज़्यादा चल रही है फ्रेंड्स। जैसे लैंप तो उड़ रहा है, लैंप उड़ रहा है, पर हवा इतनी ज़्यादा हवा इसको आई 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 ये ऐसे ही हवा बहुत चल रही है। पकड़ना तो पकड़ ले, बोले बोले फ्रेंड्स हवा बहुत चल रही है, बहुत ही ज्यादा हवा चल रही है। ये मोस्टली तो उड़ जाता पर हवा 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 चल रही है फ्रेंड्स। हवा क्या करें हम, हवा चल रही है, उड़ने के लिए तैयार है, पर ये हवा टेडी करके इसको उल्टा सकती है। हमें इसको उड़ाएंगे, छोड़ छोड़। अब सारी इसकी हवा की गैस निकल चुकी है, ये देखो ये उड़ने के लिए तैयार है, उड़ेगा उड़ेगा। ऐसा है कि हवा बहुत ज्यादा चल रही है, इसमें गैस तो भर गई थी पर हवा बिंगा होने की वजह से ये सारी की सारी, ये देखो अंदर काला हो गया, सारी की सारी जो गैस है इसकी बाहर आ गई थी, ठीक है। जो एक बार बिंगा होते थे जो इसकी गैस बनी होती है सारी बाहर आ जाती है। थोड़ी सी मेरी भी गलती है कि मैंने ये जो डिक्के लगाया ये बहुत ज़्यादा खुले लगाया, इसको थोड़ा और छोटा करना चाहिए। और ऊपर से ये खुला होता है, मतलब कि नीचे से थोड़ा टाइट होता है, ऊपर से थोड़ा खुला होता है। तो इसको क्या कहते हैं, जो कुछ मर्जी कर लो, इसको फेल कर लो पास कर लो जो भी है सब ठीक है, ठीक है। अब ये नहीं जलेगा, अब नहीं हम इसको चलाएँगे। तो अब हम पटाखे चलाते हैं, पटाखे ये देख लो बगने के लिए तैयार रहना है। इस बुगलोल को देख लो इतना डर रहा है इससे, ये देख सकते हो, ये देखो बिल्कुल लोगों को बगने के लिए तैयार है। उसको दिखाना डरना क्या, देख तो नहीं डरना क्या, डरना क्या, कहाँ जा रहा है अगला, कहाँ भागेंगे पहले बता, मुझे दे मैं देता है। अच्छा भागना भुगना किसने देखना है, ओ एक उधर पटाखे, ये बम फेंका ये उस चुलचुले के पटाखे के पंजे, ये देखो। पर हम तो सरकारी बिल्डिंग ही उड़ाएंगे, बैंक सारी नहीं बनेंगी। तो देखो डायनेमिक हमने फिट कर दिए हैं, डायनामाइट, अरे चल जा, ये 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 अब देखो सरकारी बिल्डिंग कैसे उड़ती है, डैना नैना ओ देख, दो तीन, ओ भयंकर, ये चौथा तो मसाइल ही बन गया घना। तो फ्रेंड सरकारी बिल्डिंग हमने उड़ा दी, ये चेक कर सकते हो, यहाँ पे लगाया था डायनामो, यहाँ यहाँ पे कहीं फिट किया था, यहाँ फिट किया था। ये ट्रेन पड़ी किस वजह से, इसी वजह से तो पड़ी है ये डैनी गौर से देखिए इस शख्स को, वो शख्स एक दूसरे के पैरों में पटाखे फेंक के खुद ही डर जाता है, पटाखा मेरे पैर में यहाँ बज रहा है और ये बेचारा अंदर छुप रहा है।
ऐसे जिगरे वाले बंदे चाहिए हमको, ऐसे जिगरे वाले। बीड़ी बमने नाक में दम करके हम अभी इसके नाक में दम करेंगे। तो ये भयंकर इसी के अंदर ये बंद। ओ भयंकर बट गई, बट गया वो दूसरा इधर बटा। तो फ्रेंड्स फाइनली लैंप नहीं उड़ाया, स्काई लैंप नहीं फ्लाई किया, उसकी कमी हमने ढूंढ ली है। दो कमियां हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये है लैंप। पहली कमी क्या है मैं बता देता हूँ कि जो लैंप मैंने बनाया है ना, ये मैंने 3x3 का बना दिया, जो कि नहीं होना चाहिए था। ये होना चाहिए था 3x2 का, मतलब कि जो इसकी लंबाई है वो इसकी 3 होनी चाहिए थी या 2 होनी चाहिए थी। जो इसकी चौड़ाई है वो भी थोड़ी कम होनी चाहिए थी। तो अब इसी ये स्काई लैंप उड़ाएंगे हम। अगली बार मैं क्या करूँगा, जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो ये ऐसे होना चाहिए था, ये कम से कम नहीं तो ये इतना छोटा होना चाहिए था, ये ऐसे होना चाहिए था। तो ये इतना लैंप उड़ेगा, इतना लैंप उड़ेगा जिसकी लेंथ बढ़ जाएगी और चौड़ाई थोड़ी कम रहेगी, मतलब कि ऐसे ये लैंप उड़ेगा। तो हमने क्या कर दिया था, हमने इस लैंप की चौड़ाई ज़्यादा कर दी थी, ये मेरी गलती थी। दूसरी बात कि वैसे तो ये उड़ जाता अगर इसके नीचे फ्लेम और ज़्यादा हो जाती, मतलब कि जो थी फ्लेम वो एवरेज फ्लेम थी, जो इसको हाइट नहीं दे पा रही थी। दूसरी बात कि हवा भी चल रही थी, और दूसरी बात है कि ये तीसरी चौथी पांचवी बात है कि इसका जो एरिया है वो नीचे से छोटा होना चाहिए। वैसे तो अगर हम खुद तैयार करते हैं तो नीचे से एरिया छोटा नहीं होता, तो फिर भी अब गलती आपको पता लगी होगी मेरी क्या गलती है। वैसे गलती से इंसान सीखता है। जो दूसरी बार लैंप बनेगा वो 100% उड़ेगा, क्योंकि अब हमने गलती की है, अब हम सीख गए, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो देख के समझ में आ गया होगा कि गलती कहाँ थी। अगर आपने घर में लैंप बनाना है तो क्या करना है, आपने ये चीज़ जो आपने मैंने सेम रखी है ये चीज़ सेम नहीं रखनी। तो आपने एक चीज़ सेट छोटा रखना है, ठीक है, ये चीज़ छोटी रखनी है तो आपका लैंप उड़ेगा। मतलब कि ये आप लैंप ऐसे बनाना, इसको मैं कुछ नहीं करूँगा, इसको काट दूंगा आधा, और काटने के बाद जो तिल्ले हैं इसके वो छोटे करके इसके नीचे लगा दूंगा और फिर इसको उड़ाएंगे, और उसकी वीडियो भी बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी, तो ये उड़ेगा, ठीक है। तो गलती थी मेरी ये, ठीक है ना। तो हम सीख गए हैं, हमने इसके ऊपर थोड़ी सी स्टडी की कि ये ऐसा क्यों नहीं उड़ा, कमी क्या थी। एक तो नीचे वाला एरिया बड़ा हो गया, दूसरी बात जो इसके अंदर फ्लेम डाली, वो जो मोम डाला वो कम हो पड़ गया क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा बड़ा हो गया। अगर वो फ्लेम और ज़्यादा डाल देते तो ये उड़ जाता, ठीक है ना। तो गैस तो थी इसके अंदर, पर वो इसको पुश नहीं कर पा रही थी क्योंकि गैस कम थी। तो या तो गैस ज़्यादा कर दो, या तो फिर एरिया कम कर दो, लंबा कर दो जिसमें गैस ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे कि अब ये पूरा था 4x4 का था, 3x3 का था, या जो भी है। तो अगर ये ऐसे लंबा ज़्यादा होता, नीचे कम होता, तो ये उड़ जाता, उड़ने का कारण यही था। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, बीच में हमने मस्ती की है, इस तरह सपोर्ट करते रहे। गलतियों में गंदे कमेंट मत करना, क्योंकि गलतियाँ करके ही इंसान सीखता है। आप भी गलतियाँ करते रहो, सीख जाओगे। तो बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो।